जी बिल्कुल मिला है, ऐसी बहुत सारी कॉपियां भी मिली हैं, पर कुछ बहुत अच्छी कॉपियां भी हमें मूल्यांकन के वक्त देखने को मिला है, बहुत अच्छी, बहुत उम्दा कॉपी जिसकी आई थिंक काबिले तारीफ कम है। और कुछ कॉपियां ऐसी जरूर मिली हैं जिसपे बच्चे आई थिंक भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं वो शिक्षक से जुड़े होते हैं, और समाज, शिक्षक क्या है, समाज का प्रतिरूप है, तो उससे भी जुड़े होते हैं, तो वो लिख देते हैं कि हाँ प्लीज सर हेल्प मी, पास कर दीजिएगा। बिहार में नकल रोकने के कड़े बंदोबस्त के बीच इंटरमीडिएट की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब कॉपियों को जांचने का काम किया जा रहा है, लेकिन कॉपियों की चेकिंग के दौरान परीक्षकों को रोजाना अजीबोगरीब संदेश मिल रहे हैं। कॉपी चेकिंग के दौरान कोई मां की बीमारी तो कोई पिता की मौत तो कोई शादी नहीं होने के मैसेज कॉपियों में लिख दे रहे हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके के इमोशनल मैसेज लिख रहे हैं। अब छात्रों की यह उत्तर पुस्तिका सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि यह मामला जमुई से सामने आया है, जहां कॉपी चेकिंग के दौरान पाया गया है कि एक स्टूडेंट्स ने फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका में लिखा है कि हम जानते हैं प्यार जल्दी नहीं होता, लेकिन होता है तो बहुत जबरदस्त होता है। इस छात्र ने प्यार की परिभाषा देकर पास करने की गुहार लगाई है, तो वही एक स्टूडेंट्स ने इमोशनल मैसेज में लिखा है कि हेलो मैम या सर, मैं ज्योति, सर प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरा यह बोलना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि आप सबको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा कि मेरे पापा डेट कर गए हैं, 10 दिन हुआ है और मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी एग्जाम देने आई, प्लीज सर नंबर दे दीजिएगा, प्लीज सर मेरी कंडीशन बहुत खराब है, मुझे आशा है कि आप समझेंगे सर। दरअसल जमुई में भी 2 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जा रहा है, उन्हीं में से एक पर यह उत्तर पुस्तिका देखने को मिला है, जिसमें एक स्टूडेंट्स ने लिखा है कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, सर मेरी तबीयत खराब होने के चलते मैं पढ़ नहीं पाई और बहुत गरीब हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव। क्या नाम हुआ? अनु कुमारी। अनु जी, इंटर का एग्जामिनेशन चल रहा है, समाप्ति के कगार पे है, कॉपी जांच रही थी जी। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे या बच्चियां हैं वो क्वेश्चन के बाद आंसर के बदले कुछ अनाप शनाप, ठीक है, आपको ऐसा मिला है क्या? जी बिल्कुल मिला है, ऐसी बहुत सारी कॉपियां भी मिली हैं, पर कुछ बहुत अच्छी कॉपियां भी हमें मूल्यांकन के वक्त देखने को मिला है, बहुत अच्छी, बहुत उम्दा कॉपी जिसकी आई थिंक काबिले तारीफ कम है, और कुछ कॉपियां ऐसी जरूर मिली हैं जिसपे बच्चे आई थिंक भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं वो शिक्षक से जुड़े होते हैं, और समाज, शिक्षक क्या है, समाज का प्रतिरूप है, तो उससे भी जुड़े होते हैं, तो वो लिख देते हैं कि हाँ प्लीज सर हेल्प मी, पास कर दीजिएगा, या किसी प्रकार से हमारी मदद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम इस तरीके की बैकवर्ड स्थिति से बिलोंग करते हैं। तो बहुत तरीके का मूल कारण है उनके लिखने के पीछे, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो बच्चे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं शिक्षक से, तो उनको लगता है कि शायद शिक्षक कुछ मदद किसी स्तर पे कर दे। आपको कहीं ये लगता है कि इसमें स्कूल में जिस स्कूल का वो विद्यार्थियों का वहाँ पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती होगी? नहीं, बिल्कुल ठीक ढंग से हो पाती होगी, सिर्फ कुछ बच्चों की कॉपियों को देखकर ये अंदाजा लगाना कि बाकी बच्चे अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, या शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, या विद्यालय की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी, या विद्यालय में शिक्षण की परिस्थिति अच्छी नहीं होती होगी, ये बिल्कुल मूल रूप से गलत होगा, ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि उसी, मैंने फिर से अपनी बात को दोहराऊंगी, उसी मूल्यांकन के वक्त मैंने कुछ उम्दा कॉपियों को भी पाया है और बहुत अच्छी कॉपियों को पाया है, बच्चों ने बहुत अच्छा भी लिखा है, कुछ खराब कॉपियां होती हैं, हर जगह होता है, और इसके लिए मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन की थोड़ी सी कमी होती है, आंतरिक मोटिवेशन की, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन तो शिक्षक से मिल जाता है, समाज से मिल जाता है, परिवार से मिल जाता है, आंतरिक जो एक तरीके की प्रेरणा है उसकी थोड़ी सी कमी होती है, जिसकी वजह से हमें स्वाभाविक रूप से ये देखने को मिलता है। जब बच्चे जब अनुरोध करते हैं टीचर से कि हम कॉपी मैंने लिख नहीं पाए, आप पास करिए, तो इस पे क्या रिएक्शन होता है और क्या करती हैं आप? किसी प्रकार की कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया देना किसी भी शिक्षक के लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हम एक नियमबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं मूल्यांकन में, और उसी नियम को, नियम का पालन करते हैं शिक्षक होने के नाते, तो इस तरीके की किसी भी बात का प्रभाव किसी भी रूप से शिक्षक के ऊपर नहीं देखा जाता। कभी कभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि किसी को पैसे भी पाए जाते हैं,
मुझे लगता है कि ये किसी वक्त की परिस्थिति होगी, अभी परिस्थितियां काफी बदल गई हैं और बहुत ही ऐसी किसी परिस्थिति को मैंने अपने यहाँ मूल्यांकन केंद्र में अभी तक नहीं पाया है। और अगर पानी की परिस्थिति भी होगी तो वो भी सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षक से जुड़े होते हैं तो उन्हें लगता है कि ये किसी प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं, तो वो कुछ ना कुछ अपना अनुभव लगाते रहते हैं, चाहे पैसे के जरिए हो चाहे कुछ बातों के जरिए हो, कि शिक्षक के द्वारा जुड़ा जा सके। बस थैंक यू।